कैसे हैं आप? हो लेकिन फाइन, वेलकम टू ड्रोन डॉक्टर वंस अगेन। तो इस चैनल पे हम लेके आते हैं ड्रोन से सारी इन्फॉर्मेशन और टेक टेक जो आपके लिए यूजफुल है। तो आजकल टेक से आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो अब मैं जो बना रहा हूँ वीडियो, बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है माइनिंग का, इसको फार्मिंग कहा जाता है, चिया कॉइन। जी हाँ, जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे और इसके ऊपर मैं बढ़ने वाला हूँ आगे, तो इससे रिलेटेड कंटेंट मैं उस चैनल पर डालूंगा जिसका नाम है क्रिप्टो किंग, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आप वहां जाके सब्सक्राइब जरूर करें। जब वहां पर काफी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी तो मैं वहां पर शिफ्ट हो जाऊंगा, जिसमें मैं एक्चुअल में आपको दिखाऊंगा चिया फार्मिंग इंडिया में कैसे हो रही है। मैं खुद करने वाला हूं, बाहर के लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और मैं भी करने वाला हूं। और मजे की बात यह है कि इसके लिए आपको एक्सपेंसिव जीपीयूज, ग्राफिक कार्ड्स जैसे माइनिंग में लगते हैं वो नहीं चाहिए। क्या क्या चाहिए? बिल्कुल, आपका गेमिंग पीसी हो या आप सिंपल पीसी हो, उसमें कुछ स्टोरेज आपको चाहिए ज़्यादा बस। क्योंकि जो ये चिया कॉइन है, ये बेसिकली स्पेस के ऊपर काम करता है। कितनी आप से स्पेस, मतलब हार्ड डिस्क की स्पेस आप दे सकते हैं इसकी ब्लॉकचेन को आगे चलाने के लिए। तो इसको कहा जाता है प्रूफ ऑफ स्पेस। जो पहले बिटकॉइन था और इथेरियम था, जितनी भी ये करेंसीज हैं क्रिप्टो जो चल रही हैं, ये प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करती थी कि आपका पास कंप्यूटिंग पावर होनी चाहिए। वो कहाँ से आती थी? आपकी जीपीयू से। यानी जितना तगड़ा आपके पास ग्राफिक प्रोसेसिंग कार्ड होगा, उतना ज़्यादा आप माइन कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपका हैश रेट होगा, उतना ज़्यादा आप कमा पाएंगे इसमें। और उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत फूकती थी, 300-300 वॉट के ग्राफिक कार्ड आपको चलाने हैं, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया। इसका नाम है चिया कॉइन। अब चिया कॉइन आपको अभी हाल ही में इसका जो वैल्यू आई थी अराउंड $700-800 है, जैसे आज मैं बना रहा हूँ अराउंड $700-800 के बीच में एक चिया कॉइन का ऑलमोस्ट आप लगा के अंदाजा देख लें, 50,000-60,000 रुपये इंडियन रुपये बनते हैं अगर आप एक चिया कॉइन फार्म कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है? और एग्जिस्टिंग पीसी भी कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको कुछ हार्ड डिस्क लेनी पड़ेंगे स्टार्टिंग में। और क्या कॉन्सेप्ट है सारा वो बताता हूँ। तो बेसिकली चिया फार्मिंग के लिए आपको कोई जीपीयू नहीं चाहिए एक्सपेंसिव, आपको सिर्फ हार्ड डिस्क चाहिए। अब होता क्या है, ये दो प्रोसेस में काम होना है। अब आपके पास सबके पास पीसी है, ठीक है, उस पीसी में हो सकता है कि आपके पास अभी इतनी फास्ट स्टोरेज ना हो, मतलब फास्ट स्टोरेज का मतलब है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। आजकल सबको मालूम है, जो आजकल के डेस्कटॉप्स आ रहे हैं या लैपटॉप आ रहे हैं उसमें एसएसडी होती है। तो एसएसडी का क्या काम है? बहुत फास्ट मेमोरी है, मतलब कि बहुत फास्ट स्टोरेज है वो, उससे आपका सारा चीज़ें प्रोसेसिंग फास्ट होती है। तो एक आपके कंप्यूटर में अगर आपके पास डेस्कटॉप है, आपके पास होना चाहिए एसएसडी स्टोरेज। दूसरा, आपके पास जितनी भी आपकी अफोर्डेबिलिटी है उसके हिसाब से आपके पास हार्ड डिस्क होनी चाहिए बस। बाकी बेसिक आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर होता ही है। मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास दो थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, यानी i3 भी होगा तो वो भी चलेगा। अगर ज़्यादा थ्रेड्स हैं, जैसे राइजन के काफ़ी मल्टी थ्रेड प्रोसेसर आते हैं, मेरे पास राइजन 5 है, उसके अंदर 12 थ्रेड हैं, वो आप प्रोसेसर लेना चाहते हैं सिर्फ 15,000 रुपये का आज की डेट में। अगर इससे एडवांस जाएंगे तो 18,000-19,000 थ्रेड्स बढ़ते जाएंगे। तो मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है थ्रेड्स का, ठीक है, वो सारा आपको बताता हूँ कैसे इसमें काम आता है। तो करना क्या, आपने सबसे पहले अपने पीसी में एक एसएसडी लगवानी है अगर नहीं है तो, अगर है तो बहुत अच्छा है, पर जनरली लोगों के पास एसएसडी अगर होगी भी तो 250 GB की आपने लगाई होगी बूटिंग के लिए, राइट, तो वो इसमें नहीं चलेगी। क्या चाहिए आपको? कम से कम 1 TB की, 1 TB की आपको एसएसडी लगानी है अपने डेस्कटॉप में। ठीक है, आप डेस्कटॉप पे मान के चलते हैं क्योंकि लैपटॉप में ज़्यादा कॉन्फिगर नहीं कर सकते, डेस्कटॉप आपके पास होना चाहिए। डेस्कटॉप पे आपने 1 TB की SSD लगानी है, वो भी M2 पोर्ट पे जो लगती है ना, NVM SSD, जो एक छोटी सी चिप होती है, ये सबसे फास्टेस्ट SSD है। तो वो आपको कम से कम 1 TB की अपने डेस्कटॉप में लगा लेना। एक आपके लगी हुई है ऑलरेडी, तो उसको लग रहा है तो उससे आपका कंप्यूटर बूट होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास पीसी है, इस पीसी में 250 GB की SSD लगी हुई है बूटिंग के लिए, तो वो इसमें हमें लगाने लगी रहेगी। इसके अलावा मैंने इसमें अब SSD लगानी है,
तो मैंने अपने इस पीसी पे ही फार्मिंग करूंगा जो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसपे के लिए मैंने क्या किया, आप भी उसके लिए आप कर सकते हैं। मेरे पास 16 GB की रैम है, ठीक है। प्रोसेसर मेरे पास 12 थ्रेड वाला है, राइजन 5 है 2600, ठीक है। तो 12 थ्रेड है। तो करना क्या है आपने, सबसे पहले आपने करनी है प्लॉटिंग। तो इसमें दो चीजें हैं, चिया कॉइन को कमाने के लिए आपको दो चीजें करनी है। पहले करनी है प्लॉटिंग, फिर करनी है फार्मिंग। दोनों ही चीजें आपके ये स्पेस का मामला है, कोई भी जीपीयू नहीं लगेगा। तो प्लॉटिंग जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है कि आप अपने जो SSD आप लगाएंगे सेकेंड वाली, जैसे मैंने भी ऑर्डर की हुई है वो मैं इसमें लगाऊंगा, तो उस SSD के ऊपर 1 TB की मिनिमम होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। 1 TB की जब SSD होगी तो आपके पास काफी स्पेस हो जाएगी जिसके ऊपर प्लॉटिंग होगी। अब प्लॉट क्या करना है आपने, बेसिकली आपने एक सेट्स ऑफ टेबल, एक सेक्शन है उसको ये प्लॉट कह रहे हैं, एक जगह, जैसे आपकी डिस्क में बहुत सारी जगह है उसमें, उसको हमने खानों में काट दिया प्लॉट्स में, तो वो प्लॉट हमने पहले बनाने हैं, ठीक है। वो अपने बेसिकली जो SSD पे पहले वो प्लॉट बनेंगे। तो एक प्लॉट का जो साइज है कम ऑलमोस्ट 256 GB का है, समझ गया, 256 GB का एक प्लॉट है। तो अगर आपके पास 1 TB की SSD है, जैसे मैंने भी ली है, आप भी लगवाएं, तो उसके हिसाब से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो इसमें कितने प्लॉट्स आएंगे, 3 प्लॉट्स आएंगे, 250 250 250। उसके बाद जो लास्ट वाला बचेगा स्पेस वो पूरा नहीं हो पाएगा। ये बजट बता रहा हूं मैं, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप 2 TB की लगा लें तो आप उससे ज्यादा बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट, आपके पास 1 TB की मिनिमम स्पेस होनी चाहिए, ठीक है, अगर आपने मल्टीपल प्लॉट्स बनाने हैं। अगर आपकी, और ये जो मैं ड्राइव बता रहा हूं M2 NVMe, यही क्यों लगानी चाहिए, क्योंकि इसकी जो राइटिंग और रीडिंग स्पीड एक तो फास्ट है और इसकी एंड्योरेंस काफी ज्यादा है। मतलब जब आप SSD यूज करेंगे ना इस काम के लिए तो काफी ज्यादा 6-6 घंटे 8-8 घंटे वो काम में लगी रहेगी। तो अगर आप नॉर्मल जैसे जो मिलती हैं साटा वाली वो लगाएंगे वो जल्दी खराब हो जाएगी, तो इसलिए इसकी लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसलिए ये लगवानी है। तो ये मैंने ऑर्डर करी हुई है, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखने को मिलेगी, कैसे पूरा सेटअप दिखाऊंगा कैसे मेरा ये PC फार्मिंग करेगा चिया कॉइन की, और ये इंडिया में पहला होगा जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लॉटिंग क्या है, आपने प्लॉट काटने हैं अपने SSD के ऊपर। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपने चिया नेट पे जाके उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और उसमें आपने लोकेशन बतानी है, ये मेरी SSD है, इसमें आप प्लॉटिंग करें। तो ये सारी प्रोसेस आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी जब मेरा सामान आ जाएगा, ठीक है। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये जो सॉफ्टवेयर है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको ये इनपुट लगानी है जो आपको हार्डवेयर लेना है, और वो भी GPU के मामले तो बहुत सस्ता है, ठीक है। तो इन सब के लिंक्स जो मैं बता रहा हूँ, तीन चीज़ें मैंने कहा लगाने को, एक तो अभी सबसे पहले SSD NVMe 1 TB की मैंने ली है, उसका लिंक मैंने दिया होगा, आप भी जाके ले सकते हैं। तो जितने थ्रेड हैं, 2 थ्रेड लगते हैं एक प्लॉट बनाने में, समझ आ गए। स्पेस कितनी चाहिए, 256 GB, थ्रेड्स कितने चाहिए, 2। अब मेरे प्रोसेसर में 12 थ्रेड है तो मैं आइडली कितने प्लॉट्स कर सकता हूं एक साथ, 6 6 × 12। बट 12 थ्रेड्स को एक साथ प्लॉट करने के लिए आपके पास SSD बड़ी होनी चाहिए, ये दिक्कत है। तो मैं अभी आ रहा हूं बजट, तो मेरे बजट में अभी 2 TB की नहीं थी ड्राइव, तो मैं 1 TB, अगर 2 TB की ड्राइव होती तब मैं 3 1 TB में, 3 नेक्स्ट, तब मैं 6 बना लेता। अब जब मेरे पास ये सारी ड्राइव आ जाएंगी तो मैं सिर्फ 3 ही बना पाऊंगा, हालांकि मेरे पास प्रोसेसर ऐसा है जो 6 एक साथ बना सकता है। अब दो तरीके हैं यहाँ पर प्लॉटिंग, एक है 1x1, वो कोई भी ना करे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1x1, क्योंकि एक प्लॉट बनाने में 6 घंटे लगते हैं, 6 से 7 घंटे कम से कम। वही अगर आप पैरेलल बनाएंगे, मतलब एक साथ, जैसे मैं अब 3 बनाऊंगा तो मेरे उसी 6 घंटे में 3 प्लॉट बन जाएंगे। अगर मेरे पास TB बड़ी हो, 2 TB की ड्राइव हो SSD, तो वो कितने बना देगी मेरी, टोटल 6 बना देगी। एक चीज आपको बताएं कि ये जो प्लॉट है ना, जो SSD के ऊपर 250 GB का है, ये जब बन जाएंगे 6 घंटे के बाद, सेकंड प्रोसेस है फार्मिंग, यहां असली बात आती है। फिर जो आपने जो SSD पे ये जो बना रखे हैं ना प्लॉट्स, अगर 3 बनाए तो 3, ठीक है, 6 बनाए तो 6 बनाए, 1 बनाया तो 1, जितने भी बनाए, वहां पर आपको सॉफ्टवेयर में दिख जाएगा कि ये प्लॉट तैयार है, फिर वो आपको सीधा वहां पर भेजने हैं अपने हार्ड डिस्क में। अब यहां पर हार्ड डिस्क का रोल आता है। अब मैंने जो हार्ड डिस्क ऑर्डर करी हुई है वो है 4 TB की, ठीक है, 4 TB मतलब
1 TB में 1000 GB यानी 4000 GB स्पेस मेरे पास हार्ड डिस्क की हो जाएगी। अब वो आपके बजट के ऊपर है, आप कितने TB की हार्ड डिस्क लगा रहे हैं। लोग 10-10 GB की भी, 10-10 TB की भी लगा रहे हैं, 20-20 TB की भी लगा रहे हैं बाहर। तो एक बजट ट्रिक है स्टार्टिंग में, तो मैंने 4 TB के लिए जितनी मर्जी आप ऐड कर लें, ठीक है। जितनी ऐड कर लेंगे उतना आप प्लॉट्स को स्टोर कर पाएंगे। अब होना क्या है कि जो आपने वो 250 GB का प्लॉट बनाया, एक बनाया या तीन बनाया, जितने भी बनाए, मैं जैसे तीन बनाऊंगा तो ऑलमोस्ट 800 something GB वो स्पेस भर जाएगी। वो क्या करेगा, ये सॉफ्टवेयर कंप्रेस करेगा उसको और बना देगा 100 GB, 107 GB का। तो यानी कि वो जो 250 GB का, 256 GB का जो प्लॉट था वो रह जाएगा सिर्फ 106 GB का, और ये परमानेंट स्टोर हो जाएगा आपकी हार्ड डिस्क में। अब ये जो है आपको चिया कॉइन कमा के देगा। अब मैं कितने स्टोर करूंगा एक दिन में, मैंने आज जैसे आपको बताया, जैसे मैंने प्लानिंग किया, 3 सुबह लगा बनाऊंगा हार्ड डिस्क में चले गए, फिर 3 और बनाऊंगा, टोटल 6 मेरा टारगेट है कि एक दिन में 6 मेरे जो प्लॉट्स मैं बनाऊंगा वो मेरी हार्ड डिस्क में चले जाएं, ठीक है। ये मेरा टारगेट है, अगर दो बार ना हुआ तो दिन के 3 ही बनेंगे मेरे। तो मिनिमम लेके चलते हैं, अगर दिन में मैंने 3 प्लॉट्स बना के अपने हार्ड डिस्क में डाल दिए तो मेरे 4 TB की ड्राइव में आप अंदाजा लगा लें कि रोज अगर मैं 3 बनाता हूँ तो 10 दिन में मेरे 30 प्लॉट्स बन जाएंगे, और टोटल इसमें आएंगे कितने, 40 GB है तो ऑलमोस्ट 4 TB की है तो मेरे पास 4000 GB, आप मैथ कर ले, मेरे को तो सारा रटा हुआ, तो 1 TB में 1000 TB होता है, तो 4 TB में 4000 TB हो गए। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 37 प्लॉट से मेरी 4 TB की ड्राइव भर जाएगी, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है और आपकी बजट के ऊपर है कि आप इसके बाद और ड्राइव भरना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। अब ये जो तैयार हो गए प्लॉट्स, तो ये डे 1 से आपके काम पे लग जाएंगे, मतलब ये आपको बार बार नहीं करने माइंड, एक बार आपने वो हार्ड डिस्क में जाके लगा दिए तो वो आपका, आपके लिए काम करेंगे, मतलब वो आपके एक कह सकते हैं कि एक कार्ड्स हैं, जो कहते हैं लक कार्ड या जो भी कुछ भी बोले इसको, वो आपने अब नेटवर्क पे डाल दिए कि ये कार्ड्स मैंने फार्म कर लिए हैं, ये अवेलेबल है ट्रांजेक्शन के लिए। अब वहां से जितने ज्यादा आपके पास कार्ड होंगे और जितना आपका लक भी यहाँ पे काम करेगा, पूरा लक नहीं कहूंगा कि काफी हद तक लक भी हो सकता है, कई बार मैंने अब देखा जैसे रिपोर्ट्स कि 10 प्लॉट्स के ऊपर ही उनका कॉइन आ गया। तो बेसिकली आप जितने भी आपके कॉइन, मतलब प्लॉट्स अवेलेबल हैं फार्मिंग जिस जो आपने रेडी कर ली हैं, तो एक भी आपको ब्लॉक सॉल्व करने को मिल जाता है तो आपको 2 कॉइन्स मिलेंगे उसका रिवॉर्ड, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कितने का है, अब हो सकता है वो $1000 का एक कॉइन हो जाए तो आपके $2000 की कमाई हो गई, राइट। अगर प्राइस और बढ़ गया तो उससे ज़्यादा भी, तो अगर आप $2000 भी कमा लेते हैं, अगर आपका 1-2 महीने बाद भी चांस आता है तो कम से कम आपने 1.5-2 लाख रुपया कमा लिया, ठीक है। तो इसमें आपका ना तो कंप्यूटर का ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि कोई ज़्यादा इंटेंसिव वो काम नहीं है, सिर्फ आपने प्लॉटिंग करनी है, बहुत स्मूथली बैकग्राउंड में काम होता रहेगा, कंप्यूटर आप ऑन करके रख दें अपना काम करते रहें, क्योंकि इसमें ज़्यादा वो GPU वाला गर्मी एंड ऑल दैट, या थोड़ी बहुत गर्मी होगी वो आप मेंटेन कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है हार्ड डिस्क वगैरह, बट वैसा हिसाब नहीं है माइनिंग जैसा, इसलिए इसको ग्रीन करेंसी भी कहा जा रहा है। तो क्या क्या मैंने ऑर्डर किया है आपके फार्मिंग करने के लिए आपके कंप्यूटर को, एक आपको चाहिए SSD 1 TB की NVMe फॉर्मेट में, दूसरा आपको चाहिए अपना हार्ड डिस्क जो मैंने लिए 4 TB, और तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना भूल गया, वो है रैम। अब मुझे जब रैम, मेरे पास ऑलरेडी 16 GB की है, 4 GB की रैम लगती है एक प्लॉट को बनाने में, तो एक प्लॉट को बनाने में क्या बताया, 2 थ्रेड, 250 GB स्पेस और 4 GB की रैम। अब उस हिसाब से मैंने 3 बनाने हैं, 4 थी 12 GB मेरे पास रैम थी, बट स्टिल आगे फ्यूचर को सेव करने के लिए मैंने इसको फुल कर दिया, मतलब 32 GB की रैम कर लिया अपने, तो उसका भी मैंने इसमें वो लाइट नोट वाला कुछ सामने सिंपल वाली क्रॉस एयर की वेंजेस 3000 mAh वाला मेगाहर्ट्ज़ वाली मैंने जो रैम है, क्योंकि वही रैम आपको डालनी है
जो आपके ऑलरेडी पड़ी हुई है। मेरे पास ऑलरेडी 16 GB की 3000 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, तो वही सेम मैंने ऑर्डर करी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स, ये था सारा सेटअप और आपको मैंने पूरी प्रोसेस बता दी। तो चिया कॉइल करने के लिए आपको क्या करना है, अपने पीसी में सबसे पहले स्पेस बढ़ानी है, एक आपको चाहिए एसएसडी। तो एसएसडी का क्या रोल है, बस प्लॉटिंग करना। प्लॉटिंग करने के बाद आपको उसको खाली कर देना है, ड्राइव को खाली कर देना है। जब आपने जैसे 1 TB में अगर 3 प्लॉट्स बना लिए, फिर 3 प्लॉट्स को आपने अपने हार्ड डिस्क पे भेज दिया, फिर वो आप खाली कर दें, फिर आप नेक्स्ट प्लॉटिंग शुरू कर सकते हैं। तो SSD का सिंपल काम ये है कि आपने प्लॉट्स बनाने हैं उसमें, और वो टेम्पररी है। उसके बाद वो करने के बाद आपको परमानेंटली वो प्लॉट्स अपने फार्मिंग वाली जो फाइनल HD है उसमें आपको, वहाँ पर SSD नहीं चाहिए, वहाँ पर आपको सिंपल वो 5400 RPM पे जो चलती है हार्ड डिस्क, जितनी ज़्यादा लेकर आएंगे उतने ज़्यादा आप प्लॉट कर पाएंगे। तो जितने ज़्यादा आप कर पाएंगे, अब अंदाज़ा एट प्रेजेंट ये लगा हुआ है कि जो इंसान 10 TB वाली 6 ड्राइव्स लेके, यानी 60 TB की स्पेस भर लेगा, ध्यान से सुने, 60 TB के उसमें कितने, ऑलमोस्ट 550 प्लॉट्स आ जाएंगे। तो जो इंसान आज की डेट में 550 प्लॉट तैयार कर लेता है, उसका चांस जो है, ये जो मैथमेटिक्स उनका चल रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, तो वो जो इंसान है 550 प्लॉट्स के साथ हर महीने 1-2 कॉइन्स रिवॉर्ड में पा सकता है, जी हाँ, एवरी मंथ। और ये जो प्लॉट आपके बना लिए ना आपने, ये कहीं जाएंगे नहीं, आप इसको संभाल के रखें। जब भी ट्रांजेक्शन होगा, दिन में कई बार ट्रांजेक्शन होता है, अराउंड 4-5 हज़ार मौके आपको मिलते हैं पूरे दिन में आपका कॉइन कमाने के। अब वो आपकी लक के ऊपर भी डिपेंड करता है, चांस के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट ऐसा नहीं है कि शेयर लक है, क्योंकि हर कोई फार्मिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, बाहर ज़्यादा लोग हैं, पर कुछ इधर भी अब धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ेगा, तो अभी मौका है इसको कमाएं। जैसे बिटकॉइन कितना राइज कर गया था, तो हो सकता है आपके पास अगर जो 5-6 कॉइन्स भी अगर आप कमा लें, तो आने वाले टाइम में अगर 50-60 लाख के हो गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अब नीचे जो मैंने लिंक दिया है क्रिप्टो किंग चैनल का, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे वीडियोस में, क्योंकि यहाँ पर मैं डालूंगा ऐसे वीडियोस, तो मेरे अपने सब्सक्राइबर जो ड्रोन लवर हैं वो इतना वीडियो नहीं देखेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी, ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि इसमें मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थोड़ा मेरे को यूट्यूब तरफ से पुश मिला है, तो जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टेड हैं वो फिर प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ मैं, अगर वहाँ पर आपका अच्छे से रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं वहीं डालूंगा अपने नए चैनल पर, ठीक है, जिसमें ये सारी बिल्ड आपको दिखाऊंगा, कैसे पार्ट्स बनाने हैं, कैसे सॉफ्टवेयर चलाना है, सब कुछ आपको वहाँ पर हर एक वीडियो में मिलेगा, ठीक है, और हम साथ में चिया फार्मिंग करेंगे भी और आपको सिखाएंगे भी, और हो सकता है अगर चांस मिल गया तो कॉइन जीते हुए आपको दिखाएंगे भी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।